हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चलता रहता है। कल मुझे फोन भी आया था एक लोगों का, और उन्होंने पूछा था कि राजस्थान से ये कॉल आई थी मुझे, और नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये बताइए कि टैली में डेट्स वगैरह चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये टैली प्राइम है, ठीक है। आप चाहे टैली ERP 9 यूज करें या टैली प्राइम यूज करें, अगर आप डेट नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो वजह है कि आपको डेट चेंज करनी नहीं आती कि कैसे करनी है। दूसरी वजह जो उनके साथ थी कि वो टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड यूज कर रहे थे, तो एजुकेशनल मोड में डेट नहीं चेंज होती। अब जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहां पर पहला जो ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, इसको लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और यहाँ टी दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, ये दिया गया है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, फिर यहाँ दिया गया है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और फिर यहाँ दिया गया है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो ये सारे ऑप्शन, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू कर लिया। अब एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यू किया, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री पास करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 4 तारीख या 5 तारीख की डेट में एंट्री पास करने की कोशिश करता हूँ, 4/5/2023 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर करता हूँ तो डेट नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेट 1 सितंबर 2023 पड़ी हुई है पहले से, ठीक है। चलिए कोई और डेट चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे 7 तारीख कर देता हूँ, तो 7/7/2023 कुछ भी इस तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी ये डेट चेंज हो नहीं रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। यही सेम प्रॉब्लम उनके विचार थी, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम, अब देखिए यहाँ पर कोई भी और भी डेट, जैसे 29 कर देते हैं, 29/6/2023, तो ये भी नहीं चेंज होगा। देखिए यहाँ पर 29/6/2023 करते हैं तो भी ये डेट चेंज नहीं होगी। अब देखिए कह रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द करेंट पीरियड, देख रहे हैं। अब ये सब डेट नहीं चेंज होगी क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड में या तो आप 1 तारीख के डेट में काम कीजिए या तो 2 तारीख के डेट में काम कीजिए, यही 2 तारीख वाली डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2/7/2023 अगर मैं करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज भी हो गया, 2 जुलाई 2023 हो गया, तो ये डेट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके अलावा 31 वाली डेट भी आप चेंज कर पाएंगे, यानी 31 के डेट में आप जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी डेट में आप नहीं जा सकते हैं। ये एजुकेशनल मोड की खासियत होती है, और ये टैली सॉल्यूशन जो वेबसाइट है उसमें फ्री में मिल जाता है, ठीक है ना। ये फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको अगर जो है लाइसेंस लेना है इसका, इसका पेड वर्जन परचेज करना है, डेट चेंज करना है, तो पेड वर्जन तो परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टैली सॉल्यूशन ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको जाना चाहिए, ठीक है, और टैली सॉल्यूशन से आप सीधा परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे परचेस करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है, जो भी वेब ब्राउजर आप यूज करते हो उसे ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये वेब ब्राउजर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ, तो ये गूगल आ गया। अब यहाँ पर मैं टैली सॉल्यूशन सर्च करता हूँ, टैली सॉल्यूशन, तो ये टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो ये पहला जो लिंक है इसे आप ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे दिया गया है बाई नाउ, तो बाई नाउ पे आप जा सकते हैं। बाई नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है टैली की कीमत। तो अब जैसे ही बाई नाउ, अब देखिए अलग अलग वर्जन है, सिल्वर रेंटल है, सिल्वर है, गोल्ड रेंटल है, तो जैसा जैसा पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए आप लेंगे उतने उसी हिसाब से ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर 3 महीने के लिए लेते हैं या ऐसे कुछ 12 महीने के लिए लेते हैं तो ये 18% GST लेके ये कितना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर ये 9000 रुपये पड़ रहा है 12 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग वर्जन है, तो यहाँ पर जिस भी हिसाब से आप परचेस करना चाहें उस हिसाब से परचेस कर सकते हैं। आप देखिए अनलिमिटेड मल्टी यूजर एडिशन फॉर मल्टीपल PCs ऑन लैन एनवायरमेंट, अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है और सब में आप टैली चलाना चाहते हैं तो ये काफ़ी हैवी है, हैवी प्राइस है, 1 का 12150 है, तो यहाँ पर जितने मन कर उतने कंप्यूटर चलिए, 67500 रुपये प्राइस होगी इसकी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग प्राइस है, एक बार परचेस कर लिया तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, ये चलेगा, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 12 महीने के लिए आप इसमें ये जो है 12 महीने के लिए आप इसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अब इसके लिए बाई नाउ पे जाएंगे, और जैसे ही बाई नाउ पे जाते हैं तो आपसे पूछेगा, आपका नेम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, तो ईमेल आईडी सोच समझ के डालिएगा। यहाँ पे GSTIN नंबर पूछता है, तो GSTIN नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए नया नया दुकान है, नया नया शॉप है, तो GSTIN थोड़ी ना हमारे पास होगा। उसके बाद से पिन कोड है, फिर आपका मोबाइल नंबर है, ये सब डाल करके यहाँ एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा,
ठीक है, क्योंकि हम नया ले रहे हैं तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके और ये प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेगा, फिर पेमेंट करके और इसे आप जो है डाउनलोड रख सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, आपके ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी देंगे उस पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे देगा ये, और उस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप टैली चला सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कैसे चलाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये टैली ओपन है ना, पहले मैं बाहर आता हूँ, ये बाहर आ गए हम, अब टैली को दोबारा से ओपन करते हैं। तो ये पहले तो ये पेज क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से टैली को दोबारा से ओपन करते हैं। तो ये गए यहाँ पर और यहाँ पर टैली प्राइम हम ओपन करते हैं, ये एडिट लॉग वर्जन हमारे पास है, ये एजुकेशनल मोड है। ठीक है, तो ये जैसे ही ओपन होगा तो ये पूछेगा कि हम टैली के लाइसेंस को एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, और जैसे ही ये आ जाएगा तो हम तुरंत एक्टिवेशन वाले पे क्लिक करेंगे और वहां पर वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस पे गए और यहाँ से यस करेंगे, और जैसे यस करेंगे तो ये इंस्टॉल करना होगा हमको, तो ये इंस्टॉलेशन होगा थोड़ी देर के लिए, और फिर ये जब खुलेगा ना तो यूजर आईडी और पासवर्ड हमसे पूछेगा। जरा इसको देखिए, ये जो बॉक्स ओपन हुआ है ना, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है सीरियल नंबर। तो आप जब इसे रजिस्टर करेंगे, इसे परचेज करेंगे, तो आपको एक सीरियल नंबर आपके ईमेल, उसी ईमेल आईडी पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सीरियल नंबर आप डालेंगे और उसके बाद से एक एक्टिवेशन की भी दी जाएगी। तो उसके बाद से यहाँ पर इस एरिया में जैसे ही आप सीरियल नंबर डाल के एंटर करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आप एक्टिवेशन की डालेंगे। जैसे ही आप एक्टिवेशन की डालते हैं तो फिर आपसे पूछेगा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपकी हो, उस ईमेल आईडी को दे दीजिएगा और फिर उस ईमेल आईडी से आपका टैली रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप टैली परचेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। अगर आपका डेट चेंज नहीं हो रहा है तो आपको टैली परचेस करना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनली टैली यूज करते हो तो आपको टैली जरूर परचेस करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि टैली को परचेस करना क्यों चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास एक्टिवेशन लाइसेंस होगा तो हम जो है यहाँ से इस पर क्लिक करके और जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास एजुकेशनल मोड है तो हम एजुकेशनल मोड यूज करके टैली को सीख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं देना होता है, आप एजुकेशनल मोड टैली सॉल्यूशन से डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको यूज कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप परचेज करना चाहेंगे, डेट चेंज करना चाहेंगे, तो डेट चेंज करने के लिए आपको तो परचेज ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी कहानी टैली की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ टैली की जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है 13 या 14 जून से स्टार्ट होगी और डेली शाम को 7 बजे से चलेगी, तो उस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको पूरी टैली जो है सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।